इन दिनों पूरे प्रदेश में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। उसी कड़ी में कुक्षी पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही में 1200 से अधिक शराब की पेटियों को जब्त किया है तथा 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दरअसल शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए धार जिला प्रशासन द्वारा लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कार्यवाही की जा रही है, जहां एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर बड़वानी से अलीराजपुर की ओर जा रहे ट्रक से लगभग 1200 पेटी अवैध शराब को कुक्षी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पकड़ा तथा 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। धार जिले में लगातार शराब पर बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और उसी क्रम में आज कुक्षी पुलिस और सिंघाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी खेप शराब की जब्त की गई है, माउंट बियर, 3 बियर माउंट बियर की, जिसे अभी थाने पर लाया गया है और थाने पर लाकर यहां पर 3 बियर जो माउंट बियर पकड़ी गई है उसकी गिनती अभी जारी है। इसी प्रकार से एसपी मनोज कुमार सिंह ने जिस दिन से पद संभाला है उस दिन से लगातार शराब की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई धार जिले के अंदर तेज है और अभी कुछ दिनों पूर्व ही गंधवानी में लगभग 1000 पेटी माउंट बियर की खेप पकड़ी गई थी और आज कुक्षी पुलिस और सिंघाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़वानी की ओर से आ रही ये ट्रक जिसे लोहारी पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया है, जिसमें कुल 3 आरोपी थे, एक फरार हो गया है, 2 लोगों को पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई जारी है, अभी बता नहीं सकते कि इसमें कितनी पेटियां रखी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में शराब की पेटियां इस गाड़ी में पकड़ी गई है कुक्षी पुलिस और सिंघाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में। वहीं उपयुक्त कार्रवाई में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि पकड़ी गई अवैध शराब में लगभग 36 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है, जहां पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 56 लाख रुपए का रासुका जब्त किया गया। थाना कुक्षी अंतर्गत एक बहुत ही शराब की जब्ती की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुखबिर सूचना पर आज सुबह के वक्त में थाना कुक्षी में लोहारी पेट्रोल पंप के पास में एक बड़े ट्रक को पकड़ा है और उसमें से जब चेक किया गया है तो 1000 से अधिक, करीब 1300 के आसपास पेटियाँ जो कि माउंट बियर 6000 की है वो जब्त की गई है। उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। ट्रक में जो है आरोपी थे उसमें से 2 लोग मिले हैं, एक शंकर और भीलू, दोनों अलीराजपुर तरफ के रहने वाले हैं। एक सुरेश नामक ड्राइवर है जो जानकारी में अभी फरार हुआ है। जो शराब के बारे में जानकारी ली गई है तो वो ठीकरी बड़वानी तरफ से आना और अलीराजपुर तरफ उसका जाना प्रारंभिक रूप से पता चला है। पुलिस के द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और बाकी शराब के अन्य आरोपी और उसके आने जाने के रूट्स बाकी सब में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि यह पूरी कार्रवाई धार एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में एसडीओपी धीरज बब्बर एवं कुक्षी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में एसआई द्वारा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज कुक्षी।